सुधी में कहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं? अब आपको कैलकुलेट करना है, प्लान करना है कि अगर हम 7:30 बजे सुबह निकल रहे हैं तो हम गंगापुर से कितने लोग हमें ज्वाइन करेंगे, कौन से लोकेशन के ऊपर ज्वाइन करेंगे, धुलिया मालेगांव नासिक से आने वाले लोग कहां पर ज्वाइन करेंगे, और जो पश्चिम महाराष्ट्र से आने वाले लोग हैं, जो पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का रास्ता इख्तियार करने वाले हैं, वो हम चाहते हैं कि वो थाने के रास्ते से होते हुए वो नासिक की तरफ आए, ताकि हम आपको ज्वाइन कर सके, आप हमें ज्वाइन कर सके और एक बड़ी रैली की शक्ल हम इख्तियार कर सकते हैं। मुंबई की टीम को हम हमारे मुंबई के सदर रईस लश्करिया साहब और हमारे वारिस पठान साहब है, हमारे मुमरा के सदर है, भिवंडी के सदर है, इन सभी लोगों से ये अपील करना चाह रहे हैं कि आपको भी सुबह के वक्त में आपको समृद्धि का रास्ता लेते हुए मुंबई से जब आप निकलेंगे तो आप नासिक की तरफ समृद्धि का रास्ता लेते हुए आपको हमें ज्वाइन करना है, हमें आपको ज्वाइन करना है, ताकि एक बड़ी रैली इसका शक्ल ले सके और फिर एक साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। और फिर वहां से आगे जाने के बाद अभी बहुत सारे पुलिस के अधिकारियों के साथ कल से है तो हमारी लगातार चर्चा चालू है कि ठाणे की पुलिस के साथ हमारी चर्चा चालू है, नवी मुंबई की पुलिस के साथ हमारी चर्चा चालू है, मुंबई की पुलिस के साथ हमारी चर्चा चालू है, और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि कितनी गाड़ियां आएंगी करके। यकीन मानिएगा, मैं खुद नहीं अब जान सकता हूं कि कितनी गाड़ियां इसके अंदर आने वाली है करके इसमें। तो जितनी भी गाड़ियां हैं, जहां तक भी हम जा सकेंगे वहां तक हम यकीनन हम मुंबई तक पहुंचने की पूरी जद्दोजहद और कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा अमन तरीके के साथ, बड़ा शांति रखते हुए हम जो भी आपको गाइडलाइंस है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको गाइडलाइंस दी जाती रहेगी। अलग अलग जिलों से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए कुछ हम डूज एंड डोंट्स बनाए हैं कि जो वहां को लीड कर रहा है, अपने डिस्ट्रिक्ट को लीड कर रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उसने अपने तिरंगे झंडे के साथ एक लाल झंडा भी लगाए, ताकि उसके जिले के जितने लोग हैं उसे ये मालूम रहना चाहिए कि ये गाड़ी जो है उसमें वहां पर मेरा सदर बैठा हुआ है करके। उसमें हर गाड़ी के ऊपर हम ये चाह रहे हैं कि आपका अपना एक स्टिकर रहना चाहिए कि जिसके ऊपर लिखा रहे कि बीड़ की ये गाड़ी है, ये नांदेड़ की गाड़ी है, ये उस्मानाबाद की गाड़ी है, ये शोलापुर की गाड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा आप लोगों ने अभी तक रिस्पांस दिया है और हमें यकीन है कि मैंने जैसा कहा था कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होंगी जो 23 तारीख के दिन महाराष्ट्र नहीं पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। बस आप लोगों से सिर्फ यही मेरी इल्तिजा है कि आपको जो जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शंस हम मेरे फेसबुक पेज के जरिए और चलो मुंबई का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो वहां पर दिया जाएगा। जो लोग गाड़ी से आ रहे हैं उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि कल दिन के वक्त हम अगर नॉनस्टॉप अगर जा रहे हैं तो गाड़ी में अपने पानी का इंतजाम रख ले, अगर कुछ फूड पैकेट्स हो सकती है, कुछ फ्रूट्स हो सकते हैं तो अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर रख ले। हमने ये एक अपील की थी, एक कोशिश की थी हमने कि जो लोग आना चाहते हैं लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई गाड़ी का ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उन लोगों को हमने ये कहा था कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा दें, हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे अरेंजमेंट हो सकता है, तो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। दूसरे कुछ लोग हैं जो नहीं आ सकते हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर कि आप उनको एक गाड़ी का प्रबंध करके दे दे, एक टेम्पो का अरेंज करके दे दे, एक बस अरेंज करके दे दे, इतना तो अपने नबी के नाम के ऊपर कर ही सकते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों से ये अपील करूंगा, हमारी तरफ से जितना हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात तय है कि हम सबको समृद्धि मार्ग से मुंबई की तरफ जाना है, जिसको जहां जुड़ना है, अब वो कैसे जुड़ना है मैंने आपको टाइम बता दिया हूं कि 7:30 और 8 बजे के दरमियान हम यहां से मुंबई की तरफ कूच करेंगे समृद्धि के रास्ते से। तो जो जो लोग वहां पर आएंगे वो लोग, दूसरा ये है कि इसके अंदर भी कुछ लोग है तो सियासत देख रहे हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि
इसके अंदर भी कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि क्या जरूरत है जाने की, क्यों जा रहे मुंबई को, क्या हो सकता है वहां जाकर, अगर घेरना ही है तो मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहाँ पे क्यों नहीं घेर रहे है करके आप यहाँ पे उनको निवेदन क्यों नहीं दे सकते हैं। साहब ये वो लोग हैं जिनकी सोच की वजह से ही आज हमारी ये हालत हुई है। आपको अगर नहीं आना है तो कम से कम आप इसके खिलाफ कुछ मत बोलिएगा उसमें, क्योंकि आपको भी अल्लाह के पास जवाब देना है, मुझे भी अल्लाह के पास जवाब देना है। तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है। तो कुछ तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि साहब काय के लिए मुंबई तक जाने का है, क्यों इतना खर्चा करवाने का है, मतलब ऐसी भी सोच रखने वाले लोग हैं जो दीन के रास्ते के ऊपर अगर कोई निकल रहे हैं तो मतलब है कि काय के लिए इतना खर्चा हमारे को करने का है करके। उसमें मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग घर में बैठिएगा, आप लोग घर में आराम से अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के तो चाय पीजिएगा, चुस्की लगाइएगा और गपशप करिएगा कि साहब क्या हासिल होने वाला है। मुझे भी नहीं मालूम है कि क्या हासिल होने वाला है, लेकिन कम से कम मैं उस सरकार को जगाना चाहता हूँ। बस यही आप लोगों से कहने के लिए मैं यहाँ पर आज के दिन आपके बीच में आया था। उम्मीद करता हूँ कि जिस नेक मकसद के लिए हम लोग जा रहे हैं उसमें कहीं ऐसी कोई गलत हरकत ना हो जाए। आज कम से कम एक इम्तियाज जलील, आपका एक भाई, आपका एक दोस्त, आपका एक बेटा कम से कम ये हिम्मत तो कर रहा है कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनको ये पैगाम दे रहा है कि नहीं, आपकी गुंडागर्दी के हिसाब से ये मुल्क और ये राज्य नहीं चलेगा। साथ ही साथ मैं पुलिस डिपार्टमेंट के भी उन अधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ, मैं मेरे पूरे जर्नलिस्टिक करियर के अंदर मैंने महाराष्ट्र में बहुत अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स देखे हैं जो बिल्कुल अपना कर्तव्य निभाने में कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसा क्या हो गया है महाराष्ट्र पुलिस के आईपीएस अधिकारियों को कि इतने सारे केसेस होने के बावजूद भी कोई आगे आकर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन आपको ये चीज भी याद रखनी होगी, जब आप वो वर्दी पहने थे, आईपीएस की वर्दी पहने थे, तब आपने कसम खाई थी कि मैं अपना कर्तव्य निभाते वक्त किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करूंगा। यह आपका ओथ जो है, मैंने उसको भी फ्रेम करके मैं कल शायद कुछ अधिकारियों को हम इसे भेंट भी करना चाहेंगे कि साहब राजनीति अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन आप उस राजनीति से बहुत बड़े हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपका आदर करते हैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना कर्तव्य बखूबी निभाइएगा, वरना कहीं ना कहीं पुलिस की छवि के ऊपर भी कहीं दाग अब हमें देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ उस घटिया सियासत की वजह से जो ऐसी हरकतें कर रही है कि 23 तारीख के दिन जिसके खिलाफ हम जा रहे हैं उसी दिन अगर पुलिस यहां पर इजाजत देती है तो आप सोचिएगा कि किस घटिया राजनीति के दौर के अंदर हम जी रहे हैं। ये मुल्क हम सबका है, ये राज्य हम सबका है, हम सबको मिलकर यहाँ पर रहना है। और अस्सलाम वालेकुम, 23 सितंबर वो दिन जिसका हमने ऐलान किया था कि हम मुंबई की तरफ जाएंगे। हाशिम फिरोजाबादी एक शायर है, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत शेर कहा है, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं, उसके सजदों से जो मुझे रोके ऐसी हुकूमत की कोई जरूरत नहीं। बस यही पैगाम लेकर हम 23 सितंबर के दिन अपने घरों से निकलेंगे और मुंबई की तरफ कूच करेंगे। मकसद क्या है कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो एक हालात तैयार किए गए हैं, कुछ ऐसे हालात कि जहां पर आपके मजहब पर उंगलियां उठाई जा रही है, आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी के लफ्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है, 58 FIRs पूरे महाराष्ट्र के अंदर रजिस्टर होने के बावजूद भी सरकार, प्रशासन, हुकूमत मुंह पे उंगली रखकर बैठी है, आंख पे पट्टी बांध ली है, तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये मामला अदालत के अंदर जाता है तो अदालतों का, जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं, अदालत सिर्फ इतना कहती है कि मुंबई पुलिस ने साइबर क्राइम की मदद लेकर इस क्लिप को हटा देना चाहिए, और जब उनसे ये कहा जाता है कि लोग नाराज हैं, इसके ऊपर आंदोलन चल रहे हैं, तो अदालत का रवैया ये रहता है, अदालत कहती है कि क्या आप हम पर दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, तो आखिर में हमारे जैसे लोग जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अमन चाहते हैं, हम मजबूरन ये कदम हमें उठाना पड़ता है
और हम ये तय करते हैं कि हम भारी तादाद के अंदर मुंबई की तरफ जाएंगे और हुकूमत को वो संविधान की कॉपी पेश करेंगे, वो संविधान जिसके हिसाब से देश चलना चाहिए, उनको ये बताएंगे कि इस मुल्क के अंदर, इस राज्य के अंदर कायदे है, कानून है, और अगर सिर्फ सियासत की वजह से ये घिनौना घटिया नंगा नाच जो महाराष्ट्र के अंदर खेला जा रहा है, बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। कोई भी सड़क के ऊपर खड़े रहता है और कहता है कि हम मस्जिदों के अंदर घुस के चुन चुन कर मारेंगे, कैसी कैसी बातें हर रोज हमें सुनने को मिलती है। और घटियापन का अगर इससे अच्छा उदाहरण अगर आपको कोई देखना है, तो आप जिस मुद्दे को लेकर हमने ये फैसला किया कि ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, हम किसी राजनीतिक बैनर के तहत नहीं आ रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम हमारे अपने आप को इसके अंदर पेश नहीं कर रहे हैं, ये सभी लोग जो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, ये सभी लोग, चाहे वो आप किसी भी मिली जमात से ताल्लुक रखते हो, किसी तंजीम से ताल्लुक रखते हो, किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आप रहिए वहां पर, आपको मुबारक। लेकिन एक मर्तबा हमने सोचे कि एक पैगाम सरकार को देना जरूरी है कि अगर तुम इस हर ऐसे जुर्म को भी अनदेखी कर रहे हैं, ऐसे गुनाह को भी अनदेखी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आपको उठाने की जरूरत है, इसीलिए हम मुंबई की तरफ आ रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि घटिया हुकूमत जब घटियापन पे आ जाती है तो क्या करती है, उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जिस 23 तारीख का हमने ऐलान किया था कि हम यहाँ से औरंगाबाद से निकलेंगे और गंगापुर वैजापुर होते हुए जाएंगे, तो 2 दिन पहले सरकार ने कोई हिंदू संगठन को इजाजत दी कि गंगापुर के अंदर इस रामगिरी नाम के शख्स की ताईद के अंदर वो मोर्चा निकाल सकते हैं, वो वहां पर बड़ा धरना आंदोलन कर सकते हैं, और जितने भी हिंदुस्तान के घटिया लोग हैं जिनकी सोच सिर्फ यही कहती है कि तुम स्टेज के ऊपर खड़े रहो और एक समाज को, मुसलमानों को सिर्फ गालियां देने का काम करो, उन सबको वहां पर बाइज्जत उनको वहां पर बुलाया जा रहा है इस रामगिरी की ताईद के अंदर। और यकीनन इसके अंदर बहुत सारे नौजवान शामिल रहेंगे, वो नौजवान जिनके जहनों के अंदर इतना जहर भर दिया गया है कि इनके पास नौकरी नहीं है, इनके पास कोई कामकाज नहीं है, लेकिन इतना जहर भर दिया गया है कि वो पूरी तादाद के अंदर आएंगे, घटिया तरह के नारे लगाएंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पोस्टर इन्होंने बनाए हैं उसमें 2 तस्वीरें लगाई है, एक तो है भगवान राम की तस्वीर लगाई है और दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगाकर ये लोग इस तरह का कल के दिन एक घटिया खेल खेलने वाले हैं। तो मैं तो उनसे यही कहना चाहूंगा तमाम मेरे हिंदू भाइयों से, ना तो तुमने भगवान राम को समझे है और ना छत्रपति शिवाजी महाराज को तुम समझ पाए है कि उनके कार्य क्या था वो उसको समझ पाए है, लेकिन राजनीति ने तुम्हारे जहनों के अंदर कि अब तुम बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मुसलमानों को मैं जितनी गालियां दूंगा उतना मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि उसमें खैर ये आपकी संस्कृति होगी, आपकी तहजीब होगी। मैं तो हुकूमत से यही सवाल करना चाहता हूँ कि अगर इम्तियाज अली किसी स्टेज के ऊपर खड़े रहकर किसी के धर्म के बारे में अगर कहा तो शायद स्टेज के नीचे उतरते ही मुझके ऊपर FIR भी रजिस्टर हो जाएगा, कार्रवाई भी रजिस्टर हो जाएगी, लेकिन मैं उन सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ना तो मेरी तहजीब इसकी इजाजत देती है, ना हमारी संस्कृति, ना हमारी परवरिश इसकी इजाजत देती है, और सबसे बड़ी बात हमारा मजहब, हमारा दीन भी इसकी इजाजत नहीं देता है कि मैं किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह के बयानों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए करूं। 23 तारीख के दिन सबको चलना है, बहुत सारे लोग 22 तारीख की रात को ही हमारे पास यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं, अलग अलग रास्तों से वो मुंबई पहुंचने का रास्ता भी इख्तियार किए हुए है। अब कुछ बातें हैं जो बताना जरूरी है, ठीक है, अब आपने गंगापुर के अंदर ये परमिशन दे दी है, हम कोई टकराव नहीं चाहते है, इसीलिए हमने फैसला किया है कि अब हम समृद्धि के रास्ते से, जो नागपुर मुंबई का समृद्धि का जो रास्ता है, हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे, क्योंकि हम इनकी साजिश का शिकार नहीं होना चाहते है। पुलिस वाले बहुत अच्छे अच्छे पुलिस वाले हमने अपने करियर के दौरान देखे है, लेकिन आज मजबूरन वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे आदेश जो मिल रहे हैं कि
कि अब गंगापुर में परमिशन मिलनी चाहिए, तो ये सब ऊपर से लेकर आ रहे हैं। और ऊपर से इसलिए लेकर आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र का माहौल किसी तरह से खराब हो, कहीं दंगा हो जाए तो हमारी सियासी दुकान जो है वो और 5 सालों के लिए चल पड़ेगी करके। मैं तमाम नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि हमें बहुत शांति का मुजाहरा करना है, पूरे अमन के साथ जाना है, क्योंकि हम किस वजह से जा रहे हैं? क्या ये सियासी रैली है? नहीं है। क्या हम कोई हल्लड़ गुल्ला करने के लिए जा रहे हैं? हल्ला गुल्ला करने के लिए तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अमन का पैगाम दिया, जिन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया है, उनके खिलाफ जो गुस्ताखी हुई है वो बात हम सरकार को पहुंचाने के लिए। तो मैं तमाम नौजवानों से अपील करूंगा कि आप गाड़ियों के अंदर आ रहे हैं, ऐसी कोई हरकत ना करें कि गाड़ियों के जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए आप दूसरे लोगों को तकलीफ देते हुए यहां पर पहुंचे, आप किसी तरह के गलत नारे लगाए, किसी तरह का कोई पोस्टर या किसी की कोई फोटो वहां पर आपने दिखानी नहीं चाहिए। मुझे मालूम है कि कुछ शरारती तत्व ऐसी भी हरकतें करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से हमारा मुद्दा भटक जाता है और मीडिया वाले बैठे रहते हैं कि देखिए साहब ये नारे वहां पर लगाए गए, ये तस्वीरें वहां पर दिखाई गई है। अपन एक बड़े नेक मकसद के लिए जा रहे हैं, उस नेक मकसद को फॉलो करने के लिए हम कल सुबह यानी कि 23 तारीख के दिन सुबह हम 7:30 और 8 के दरमियान हम समृद्धि रास्ते